गाइस, बी टाउन हॉप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे देवारा मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूवी देवारा को लेकर इस वक्त एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का नाम चर्चा में बना हुआ है। इस मूवी के जरिए वह साउथ सिनेमा बतौर एक्ट्रेस डेब्यू करने जा रही है। जूनियर एनटीआर स्टार देवारा पार्ट 1 के प्रमोशन के दौरान जाह्नवी कपूर का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इस वीडियो में वह तमिल लैंग्वेज में स्पीच देती हुई नजर आ रही है। उनके इस वीडियो को देखकर फैंस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है और उन्हें एक्ट्रेस श्रीदेवी की याद आने लगी है। देवारा मूवी के प्रमोशन के दौरान का जाह्नवी कपूर का एक लेटेस्ट वीडियो साउथ सिनेमा के मूवी समीक्षक रमेश बाला ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में जाह्नवी कपूर तमिल लैंग्वेज में स्पीच देती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से बिना रुके एक्ट्रेस तमिल बोल रही है, उन्हें देखकर लगता नहीं है कि वह मूल रूप से हिंदी लैंग्वेज को बोलती है। आपको बताते चले कि श्रीदेवी मूल रूप से दक्षिण भारत से नाता रखती थी। लंबे वक्त तक उन्होंने बतौर एक्ट्रेस साउथ सिनेमा में मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज की फिल्मों में भी काम किया था। जाह्नवी कपूर को इस तरह से तमिल लैंग्वेज बोलते हुए देखकर फैंस काफी सरप्राइज हो गए। उनको ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिर किस तरह से वह तमिल बोल सकती है। चारों ओर जाह्नवी कपूर की फिलहाल तारीफ चल रही है और हाल में देवारा मूवी की एडवांस बुकिंग भी जोरों शोरों से चल रही है और इस देवारा मूवी में पहली बार जूनियर एनटीआर जाह्नवी कपूर की जोड़ी देखने को मिलेगी। इस मूवी से जाह्नवी कपूर भी साउथ में डेब्यू करने जा रही है और साथ में इसमें जो विलन का किरदार भैरा का किरदार निभाने वाले है सैफ अली खान, वो भी साउथ में डेब्यू करने जा रहे है और देवारा मूवी 27 सितम्बर को रिलीज होने वाली है। मूवी देवारा एडवांस बुकिंग के साथ रिकॉर्ड तोड़कर पहले ही सुर्खियां बटोर रही है। इस मूवी से फैंस को काफी उम्मीद है क्योंकि इस मूवी से पहली बार जाह्नवी कपूर डेब्यू कर रही है। जाह्नवी कपूर इस मूवी में पहली बार साउथ स्टार के साथ रोमांस करती हुई नजर आएगी, जिस कारण फैंस उनको देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। जूनियर एनटीआर की मूवी ने रिलीज के 9 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग में $1.75 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। मूवी ने 45,000 टिकटें बेच ली है। फिलहाल तो देवारा मूवी को बड़े बजट में बनाया गया है और अब आगे वो ही बता सकते हैं जब देवारा मूवी बड़े पर्दे पर रिलीज हो सकती है कि इसमें पूरी कहानी क्या है और दर्शकों को कितना पसंद आती है और आप भी देवारा मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हॉप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर